शहडोल जिले के जैतपुर वन परिक्षेत्र में एक नर बाघ के शिकार में मामले में वन विभाग की टीम ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। वन विभाग के आला अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम दुधरिया के 10 व घोरबे के एक शिकारी द्वारा करंट फैलाया गया था, जिसकी चपेट में आने से बाघ की मौत हो गई। जानकारी के बाद वन विभाग की टीम ने डॉग स्कावियर की मदद से मृत बाघ के मूंछ के बाल सहित बाघ को हटाने में प्रयोग किए बल्ली को भी जब्त किया है। वहीं सभी आरोपियों पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। कल दिनांक 23/11/2023 में जानकारी प्राप्त हुई जैतपुर रेंज के बीट लद्दा में कि एक बाघ का क्षतविक्षत शरीर प्राप्त हुआ है, जिसका NPCA के द्वारा जारी जो SOP है उसके तहत इसका पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टर पेनल के द्वारा राजपत्रित अधिकारी सभी मौजूद रहे, तहसीलदार प्रशासन के अधिकारी, और उसके बाद इसका नियमानुसार दह संस्कार भी किया गया। और इससे पहले डॉग स्क्वाड के टीम के द्वारा इसकी स्मेल करवाई गई और संदिग्ध जो उक्त प्रकरण में संदिग्ध जो आरोपी हैं उसको आज दिनांक को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए, और उनसे करेंट के जो भी सामग्री हैं जिन्होंने इन्होंने उपयोग किया था उसको जब्त किए हैं और अभी विवेचना जारी है। बाघ की आयु लगभग क्या रही होगी? 12 से 13 एडल्ट बाघ है वो डॉक्टर के अनुसार। इसमें कितने आरोपी? इसमें 11 आरोपी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।